छोड़ो यार, तुमसे नहीं होगा, हमने तुम्हारा वीडियो पसंद नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और आज को बता दूं, जब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं ना, तो आज मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है। रीज़न ये है कि मुझे कहीं ना कहीं हस्बैंड का डर है, क्योंकि हस्बैंड किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ है मैं व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और एक चीज़ और बताना चाहूंगी कि ये देखिए, मेरी स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई विंटर्स में। ये प्रॉब्लम मुझे थायराइड की वजह से होती है। क्यों हो जाती है स्वेलिंग मुझे खुद भी नहीं पता। इतना हार्मोन फ्लैक्चुएशन होता है मेरी बॉडी में कि आपको क्या बताऊँ। और फिलहाल ढेर सारा काम जो है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे हैं। विंटर्स में कितना काम हो जाता है और कितने कपड़ों का काम हो जाता है, बेडशीट से कंबल और ब्लैंकेट्स, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिलहाल मेरी नहीं, ये तो सबके साथ ही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो करूँगी। आई होप सो आपको वीलॉग पसंद आएगा, तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डेली वीलॉगिंग मैं तभी कर सकती हूँ जब आप लोग का सपोर्ट हो। क्योंकि जब आप लोग का सपोर्ट नहीं होता है ना, तो फिर वीलॉगिंग करने का मन नहीं करता। और देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना सारा सामान फैल जाता है। तो मॉर्निंग में ना आप काम करते हो, काम करने के बाद ये सब्जी बनाना वो करना जल्दी जल्दी होता है ना, हाथ पर नहीं चलते, तो ये सारा सामान पूरा फैल जाता है। सारा सामान समेटिए, उसके बाद फिर मैं नाश्ता फ्रेंड। ये देखिए, मैंने फिलहाल जो है किचन पूरा साफ कर दिया है। और फ्रेंड देखिए, मैंने ये पूरा किचन जो है खाना बनाने से पहले साफ किया, फिर खाना बनाने के बाद साफ करूंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरी आदत है कि अगर किचन साफ नहीं होता है तो मुझे इसमें खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और सिंक पूरा खाली कर दिया है मैंने, ये सिंक फिर भर जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे ढेर सारे मैंने बर्तन धुले हैं। फिलहाल सिंक के ये वो बर्तन हैं जो मैंने रात में, मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने नहीं धुले थे, और मैंने उसके बाद मॉर्निंग में सारे ये बर्तन धुले हुए हैं। चलिए इस रूम का टूर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी ऐसी रहता है बिल्कुल सेम कंडीशन मॉर्निंग की, और मुझे ये सारा चीजें सही करनी है। देखिए कितनी डस्ट बनी हुई है ना, देख रहे हैं। इसकी भी सफाई जो है वो मुझे ही करनी है। और मेरे हस्बैंड का कीबोर्ड जो है वो खराब हो गया है, तो उन्होंने जो है इसमें जुगाड़ कर लिया है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसको डाल पाए, इस वजह से उन्होंने ये सारा जुगाड़ किया है। जब उनको टाइम मिलेगा तो फिर इसका कीबोर्ड सही होगा, क्योंकि कीबोर्ड और इसका टच पैड दोनों ही, उसका रीज़न क्या था कि ये इनसे एक बार गिर गया था, और जब से ये गिर गया तो ये यहाँ से क्रैक भी हो गया। ये देखिए, ये क्रैक हो गया, और तब से इसका कीबोर्ड टच पैड में कोई इशू आ गया। फिलहाल कूड़ा फेंकने के साथ साथ, कूड़े की सफाई, घर की सफाई के साथ साथ, इनके कीबोर्ड की सफाई, लैपटॉप की सफाई। और फ्रेंड्स, लग गई हूँ मैं आज अपने घर के इंटीरियर को चेंज करने के लिए। मेरी आदत होती है, हर मान के चलिए कि कभी कभी ये दौरे पड़ते हैं मुझे 2-3 महीने में, जब भी मैं देखती हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है और फिर मैं चेंजेस करना शुरू कर देती हूँ। इसके लिए मुझे घर में बहुत सारी डांट पड़ती है, पर डांट खाते हुए मेरा ये जो है ना पागलपन हमेशा चालू ही रहता है, और मैं अपने चेंजेस करने से बाज नहीं आती कभी। और फ्रेंड्स, मेरा चूहा ढूंढने का मिशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे घर में चूहा आ चुका है जो मुझे रात भर नहीं सोने दिया। इसने कहाँ है भाई, निकल। इतनी गंदगी तो चूहे ने कर रखी है, पर चूहा कहीं नहीं दिख रहा है। और फिलहाल मैं आपको बता दूंगी, जो चूहे होते हैं ना, ये बड़े होशियार होते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि खोल लोगे, ढूंढ लोगे इनको, पॉसिबल नहीं है, जबकि इसमें अंदर आने की कोई जगह नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पटरे डाल रखे हैं। पर देखिए, सारा सामान फिर से फैलाना पड़ा, निकालना पड़ा। गलती से एक नई चादर देखी इसमें थी, और देखिए चूहे ने क्या हाल किया, कितना ज़्यादा सत्यानाश कर दिया, पूरी नई चादर का सत्यानाश। ये बिल्कुल भी नई चादर थी, अभी वुलन नई चादर थी। फ्रेंड्स, फाइनली जो है मैं अपने घर में एक नया चेंज करने वाली हूँ। वो चेंज है कि इस ड्रेसिंग को मैं चाहती हूँ स्टडी टेबल की जगह पर, और स्टडी टेबल को ड्रेसिंग की जगह पे। हालांकि इसको खिसकाने और करने में बहुत मेहनत है, ये सब कुछ मुझे अकेले करना है, क्योंकि अभी के पापा तो पॉसिबल नहीं है, उनका तो वैसे ही
मुंह फुलाया हुआ, और वो ये पसंद भी नहीं करते, कहते हैं तुम इधर करती रहती हो, इधर करती रहती हो। देखिए क्योंकि ये सब करने में पता है सामान फैल जाता है, पर पता नहीं क्यों मुझे बड़ा सुकून मिलता है ये सब करने में, थोड़ा इंटीरियर चेंज करना, ये सब मेरे शुरू से ये हैबिट रही है, और इस हैबिट से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये इंटीरियर चेंज करने का काम मैं तभी करती हूँ जब मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो देखते तो मुझ पर बहुत गुस्सा होते, कहते भारे भारी सामान को हमेशा तुम इधर से उधर करती हो, ये अलमारी भी फिक्स हो गई वरना तुम हमेशा अलमारी को इधर उधर करती थी, बहुत सारी बातें मुझे सुनाते थे। फिलहाल मैंने किस ड्रेसिंग को, आपको लग रहा है कि क्योंकि ये स्पीड में किया हुआ है तो आपको लग रहा होगा बड़े आराम से खिसक रहा है, पर मैंने कैसे खिसकाया और कितने टाइम में खिसकाया मैं जानती हूँ, क्योंकि सारे सामान जो है बहुत ज़्यादा भारी हैं, इनको खिसकाने के लिए मुझे काफ़ी थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था, पर स्पीड में डालने के बाद ये लग रहा है कि कितनी आसानी से खिसक जा रहे हैं। तो फिलहाल चेंजेस तो मैंने कर लिए हैं, और फाइनली फ्रेंड्स मैंने जो है अपना जो घर है ना पूरा चेंज कर दिया है, काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बेसिकली यहाँ से ये बेड का ये लोकेशन जहाँ पर मैंने अविष्का की टेबल उसके साथ में उसका जो है स्टडी टेबल के साथ में उसकी रैक रख दी यहाँ पर, और इस वाले पोर्शन ये तो सब कुछ वैसे ही, यहाँ तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। फिर यहाँ पर देखिए ये ड्रेसिंग वाला सेक्शन कुछ मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। मैं अगर यहाँ से दिखाऊँ ना तो आपको देखिए ये वाला पोर्शन एंट्री करते समय इस तरह से कुछ है, और उसके बाद फिर इस तरह से है। तो और थोड़ा सा मैट का भी अच्छा हो गया है कि मेरी जो कारपेट है ना वो कारपेट काफ़ी अच्छी सी प्रॉपर तरीके से आ जा रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कि जो मैंने चेंजेस किए वो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी चेंजेस लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सजेशन दिया है तो मैं रियली आपको अप्रिशिएट करूँगी, और मैं चेंजेस करूँगी भी, आपको चेंज करके आपको व्लॉग में दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मेरा सारा काम हो गया है, और सारा काम करने के बाद अब मुझे लंच बनाना है। अरे फिर से तुम यूट्यूब पे आ गई, अरे यार छोड़ो यार तुमसे नहीं होगा, हमने तुमसे 10 बार बोला तुमसे नहीं होगा, उन लोगों से होगा जो अनपढ़ है और गवार है उनसे होगा, तुम लोगों से नहीं होगा, तुम पढ़ाई लिखाई पढ़ लिखी हो, तुम अपना अपना टेक में हो, आराम से जावा ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, तुम तो वैसे ही जावा में थी, अब इसको तुमसे नहीं होगा, तुम जो है अपना और काम करो ठीक रहेगा। देखा आपको पता है इसीलिए व्लॉग मैंने बंद की थी कि मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि इसमें आके फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। अरे आखिर भी तो आगे की पावर कितना बढ़ा पता है, यूट्यूब आने में कितना पावर बढ़ा, और ऊपर से लाइक कितने करेंगे, 4 लाइक 5 लाइक, उसमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो तुम्हें वो कमेंट कर देंगे, कमेंट कर आते हैं, हाँ कमेंट कर दिया, हाँ मैडम जी ये ठीक है, वो लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक करें रिमाइंड कराओ, लाइक और लाइक ही लाइक करते नहीं है, मतलब कि तुम्हारा वीडियो पसंद नहीं करते, तुमसे नहीं होगा। देखा फ्रेंड्स यही रीजन होता है कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ी। चलो मैं जाता हूँ स्कूल नहीं जाते हो तो ठीक है। हाँ जाइए, इतनी बातें सुननी पड़ी, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, व्लॉगिंग छोड़ दी, मैं इसलिए छोड़ दिया था, मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि तुमसे व्लॉगिंग नहीं होगी तुम छोड़ दो, क्योंकि लोग नहीं पसंद करते तुमसे, तो क्या रियल में आप लोग नहीं पसंद करते, या फिर आप लोग चाहते हैं मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ, तो प्लीज़ व्लॉग को इतना ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे हस्बैंड को झूठा कर दीजिए, नहीं तो आपको पता है ये सब बंद करा देंगे, और मेरे से कहते हैं और पति की बात को हम इतना टाल भी नहीं सकते। तो आज मैंने व्लॉग डाला है तो प्लीज़ कम से कम कुछ तो ऐसे लाइक कर दीजिएगा कि मेरे हस्बैंड को लगे कि नहीं अब ये व्लॉग चलाना इनके लिए सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, बाय बाय।